सीटेट पेपर वन के लिए आपको ईवीएस का कंटेंट पार्ट पढ़ने के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक है वो है एनसीईआरटी की बुक, जो क्लास फर्स्ट और सेकंड में नहीं दी हुई है, क्योंकि ईवीएस उसमें लैंग्वेज के रूप में हिंदी और मैथ्स के रूप में दी गई हुई है, किंतु आप आगे थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास में ईवीएस का पर्यायवाची अध्ययन के रूप में दिया हुआ है, जिसमें आसपास इस पर्यावरण अध्ययन के बुक का नाम लिखा हुआ है। ये थर्ड क्लास की बुक है, ये फोर्थ क्लास का है और ये फिफ्थ क्लास का है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होता है। कंटेंट पार्ट पढ़ने से पहले आपको ये आमुख लिखा हुआ है, जो नेशनल करिकुलम 2005 के द्वारा ये बुक को अच्छे से बताया गया है इसमें, कि इसमें लिखा क्या है, ये बुक पढ़ाते समय आप किन चीज़ों का ध्यान रखें टीचर के लिए है, और इस बुक के माध्यम से बच्चों की ऑल ओवर डेवलपमेंट में किस तरह मदद करेगा, इसके बारे में ये बताया है। उसके बाद आगे पन्ने पे लिखा है, दो शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए, ये टीचर और पेरेंट्स दोनों के लिए लिखी हुई है ये बात, जो जो हमें ध्यान में रखनी है। इसे पूरा रीड करना होगा, ये जो लिखी हुई है वह थर्ड पन्ने तक है, ये देखिए इधर आगे तक है, इसे अच्छे से पढ़ना है पूरा। और ये कुछ सिंबल हैं जिसमें बच्चों को सोचने चर्चा करने के लिए दिया गया है। उसके बाद विषय सूची है, लगभग 27-25 थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में दी हुई हैं। इसमें एक चीज़ और बतानी है कि जो जब ये बुक में जो डाल डाल पर ताल ताल पर जो लिखी हुई है, ये जो लेसन का नाम है, उसके जस्ट नीचे आप जाओगे तो ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इस पॉइंट को आपको पढ़ना है। ये एक टीचर के लिए लिखी हुई है, तो यहाँ से आपका पैडागोजी पार्ट कंप्लीट होता है, तो आप इसको पढ़ें। ये सभी में दिया हुआ है, हर पन्ने में दी गई हुई है, पढ़ते समय इनको भी ध्यान से पढ़ें। ठीक उसी प्रकार फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास सारी की बुकें हैं, इन बुकों को अच्छे से रीड करना है। सिर्फ तीन बुक हैं जिसको अच्छे से पढ़ना है, और इसमें आपका 15 नंबर का कंटेंट पार्ट खत्म हो जाता है। उसके साथ ही साथ आपको मैप पढ़ना है, कोई भी एटलस ले लीजिए, उसमें आपको दिशा डायरेक्ट और किलोमीटर किस दिशा पे रखा हुआ है,